अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वासिफ अली और आप देख रहे हैं क्रिकेट टेल्स यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज को ख़त्म हुए अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और अब बारी है पाकिस्तान और आयरलैंड की सीरीज़ की, जिस के हवाले से अब हम बात करेंगे। पहले T20 इंटरनेशनल मैच की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि ये पहला T20 मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे खेला जाएगा, दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या खेलने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे, पिच और वेदर कंडीशंस के हवाले से, और साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग आप कहाँ पे देख पाएंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें बताइएगा कि कौन सी टीम आपके ख्याल से इस पहले T20 मुकाबले को जीतने वाली है। तो दोस्तों बात की जाए यहाँ पर अगर पहले T20 मुकाबले के हवाले से, तो ये इन दोनों ही टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। डबलिन से पाकिस्तान को आयरलैंड का दौरा करना है। यहाँ पर 10 मई 2024 को शाम 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मुकाबला खेला जाना है। और अच्छी बात ये है कि इस सीरीज़ की जो टाइमिंग है वो पाकिस्तानी फैंस के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि शाम 7 बजे अगर मैचेस होंगे तो फिर रात 11 बजे तक मैक्सिमम मैचेस ख़त्म हो जाया करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए अगली जो सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड की, वहाँ पर आपको रात जागनी पड़ेगी। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो रात जागनी बनती है, क्योंकि उस सीरीज़ में 3 मैचेस ऐसे हैं जो कि रात 10:30 बजे शुरू होंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के, और एक मैच शाम 6:30 बजे होगा पाकिस्तानी टाइम पे, और 4 मैचेस की वो सीरीज़ 22 मई से शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों ये इस पहले मुकाबले का शेड्यूल और टाइम टेबल है, और इसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं यहाँ पर सीरीज़ का ओवरऑल जो शेड्यूल है वो भी आप देख सकते हैं अब, कि इसमें पहला T20 मुकाबला 10 मई को, दूसरा 12 मई और तीसरा 14 मई को होने वाला है। तो एक साथ 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ये सीरीज़ कितनी अहम है टीम पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को अपने कम्बिनेशन ट्राई करने का मौका मिला है और उनको अपने जो प्लेइंग 11 है उसमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और अगली जो सीरीज़ होगी वो बहुत ही अहम रहने वाली है। तो इसलिए पाकिस्तान को अगर नए प्लेयर्स को मौका देना है तो इसी सीरीज़ में दे सकते हैं, अगर जो पुराने प्लेयर इंजरी से वापस आ रहे हैं उनको मौका देना है तो इसी सीरीज़ में दे सकते हैं आप। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अहम सीरीज़ रहने वाली है। तो दोस्तों ये यहाँ पर शेड्यूल है इस सीरीज़ का। अब बात कर लेते हैं पिच और वेदर कंडीशन की। तो इस विकेट का जो एवरेज पहली इनिंग्स का स्कोर है वो 130 के आसपास का है, और दूसरी इनिंग्स में भी लगभग इतना ही स्कोर बनता है। 2 बार अभी तक ऐसा हुआ है इस ग्राउंड पे के 150 के ऊपर का स्कोर बना हो, तो हाई स्कोरिंग मैचेस हमें मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे। हालांकि आजकल की जो क्रिकेट है वो इस चीज़ की डिमांड करती है कि आप तेज़ क्रिकेट खेलें और तेज़ क्रिकेट खेलते हुए मैचेस को जीतने की भरपूर कोशिश करें, लेकिन अब देखते हैं कि इंटेंट टीम पाकिस्तान की क्या रहने वाली है और किस तरह से ये टीम जो है वो आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों बारिश के चांसेस की बात की जाए तो लगभग 10% बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं डब्लिन ने, जिसका मतलब ये हुआ कि बारिश नहीं है और क्रिकेट फैंस को मैच पूरा देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है सभी क्रिकेट फैंस के लिए। अब बात की जाए अगर यहाँ पर प्लेइंग 11 के हवाले से, तो आपको जो है वो आयरलैंड की प्लेइंग 11 हम जल्द अज जल्द बता देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एंडी बालबिर ने जो कि इनके साबिक कप्तान हैं वो मौजूद हैं, पॉल स्टर्लिंग इनके कप्तान हैं जो कि खेलने वाले हैं, बड़े ही धुआंधार क्रिकेट खेलने की ये काबिलियत रखते हैं। पॉल स्टर्लिंग के बाद लॉर्कन टक्कर का नाम हमें देखने को मिल जाएगा, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ये। हैरी टैक्टर ने काफ़ी इंप्रेस किया हुआ है अभी तक और काफ़ी तेज़ ये रन बनाने की काबिलियत रखते हैं, तो ये रहेंगे। इसके बाद कर्टस कैंपर मौजूद रहने वाले हैं, जॉर्ज डॉक्ट्रिल का नाम हमें देखने को मिल जाएगा, और साथ में गैरेट डेलानी मौजूद हैं, मार्क एडियर, बैरी मैकार्थी, जोश लिटल और बेन वाइट जो हैं वो टीम आयरलैंड की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाले हैं। तो ये टीम आयरलैंड की प्लेइंग 11 है। अब हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11, लेकिन उससे पहले आप सभी ने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और हमें अपनी प्लेइंग 11 भी कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर लिख के बताना है आपने। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो जो है वो काफ़ी 18 मेंबर्स का ये स्क्वाड है, जिसमें काफ़ी तब्दीलियां हो सकती हैं प्लेइंग 11 में। और यहाँ पर जो बनने वाली प्लेइंग 11 है वो कुछ हुए है कि बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, हालांकि बाबर आजम पिछली सीरीज़ में इतना कुछ खास कर नहीं पाए थे सवाए लास्ट मैच के, लेकिन मज़े की बात ये है कि बाबर आजम लास्ट मैच में चले और पाकिस्तान की टीम ने वो मैच जीत भी लिया। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि बाबर आजम का बल्ला चलना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीज़ हम ये बोल रहे हैं कि बाबर आजम को अगर ये कप्तान ना भी बनते तो ये एक अच्छी चीज़ रहती, क्योंकि अगर ये कप्तान ना बनते तो सारे का सारा फोकस इनका अपनी बैटिंग पे होता,
और अगर ये बैटिंग अच्छी करते हैं तो पाकिस्तान की टीम जीती है। कौन कौन मुत्तफिक है कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए था बाबर आजम की जगह पर, ज़रा जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता दीजिएगा। हालांकि अब जो होना है वो हो चुका है और उम्मीद करेंगे कि इन्हीं की कप्तानी के अंडर पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छा काम करेगी, लेकिन उसके लिए इनको अपना बल्ला चलाना होगा और अच्छी फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि आगे ICC का बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप आ रहा है और वहाँ पर की प्लेयर होंगे बाबर आजम। तो दोस्तों बाबर आजम है, साइम अयूब है, बाबर आजम और साइम अयूब की ओपनिंग जोड़ी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर साइम अयूब नहीं चलते पहले एक दो मैचेस में, तो यह भी किया जा सकता है कि साइम अयूब को ड्रॉप करते हुए इनकी जगह पर आप जो है वो उस्मान खान को एज ए ओपनर ट्राई कर लें बाबर आजम के साथ और रिजवान नंबर 3 पर आ जाएं बैटिंग करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिल वक्त बाबर आजम और साइम अयूब ही ओपनिंग करेंगे, जिसके बाद नंबर 3 पर उस्मान खान या फिर मोहम्मद रिजवान में से एक प्लेयर खेलते हुए हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपिंग कर लेते हैं। हालांकि विकेट कीपिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजम खान की टीम में वापसी हो रही है, तो इस वजह से। लेकिन अब देखते हैं कि रिजवान या उस्मान इन दोनों में से कौन सा प्लेयर खेलेगा। नंबर 4 पर फखर जमान, और फखर जमान जो है वो अच्छी फॉर्म में आ गए, जो कि एक अच्छी चीज़ है टीम पाकिस्तान के लिए, और उम्मीद करेंगे कि अपनी इसी फॉर्म को वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ जो 22 मई से सीरीज शुरू हो रही है वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे ये। तो फखर जमान मौजूद हैं, फखर जमान के बाद नंबर 5 पर इफ्तिखार अहमद। लेकिन इफ्तिखार अहमद को किस नंबर पर खिलाना है, कब इनको बैटिंग देनी है, ये एक अच्छी और काबिले गौर चीज़ है, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये चीज़ देख रखी। 10 ओवर्स पड़े थे, इनको बैटिंग दी गई, काफ़ी स्लो क्रिकेट खेली और लास्ट में जाकर इमाद वसीम ने जब बैटिंग की थी चौथे में कहले के चौथे मुकाबले में, तो तब पानी सर से गुजर चुका था। तो इनको किस नंबर पर और कितने ओवर्स बचे हों तब बैटिंग देनी है, ये चीज़ अब कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेगी। तो दोस्तों इफ्तिखार अहमद हैं, साथ में बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं तो ये मौजूद हैं। इसके बाद आजम खान आएंगे, और आजम खान एज ए फिनिशर, एज ए बिग हिटर एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। अभी तक इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वो काम नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको जो है वो मौके मिले हैं लेकिन बल्ला नहीं चला, लेकिन ये इनकी लास्ट सीरीज़ भी हो सकती है। तो आजम खान को अब बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से खेल खेलना होगा और अपने बल्ले को खूब अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा। तो आजम खान को मौका दिया जाएगा, जिसके बाद शादाब खान एज ए लेग स्पिन बॉलर हमें देखने को मिल जाएंगे, और शादाब के बाद अब्रार या फिर इमाद वसीम में से किसी एक प्लेयर को ट्राई किया जाएगा। हालांकि दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, तो देखते हैं कि किस्मत किसकी चलती है और कौन सा प्लेयर खेलेगा। इमाद वसीम बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, जबकि अब्रार अहमद की बॉलिंग भी काफ़ी इंप्रेसिव रही है। ज़्यादा चांसेस यही है कि शायद अब्रार अहमद को जो है वो टीम में शामिल किया जाए। नंबर 9 पर शाहीन शाह अफरीदी देखने को मिल जाएंगे हमें, और शाहीन नसीम और हारिस रऊफ की ये जो जोड़ी साल 2022 में अच्छी बॉलिंग करती रही है वो हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी मौजूद रहेंगे, साथ में रहने वाले हैं नसीम शाह, और नसीम शाह को भी अपनी अच्छी फॉर्म को गेन करना पड़ेगा, एंड अब्बास आफरीदी या हारिस रऊफ, क्योंकि हारिस रऊफ इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्लेयर खेलने वाला है। तो दोस्तों ये मेरी नज़र में प्लेइंग 11 है जो कि खेल सकती है, आप भी बता सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पर अगर लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से, तो आपको बता दें कि ये सीरीज़ आप PTV स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं, और इसमें इसके अलावा जब भी मैच लाइव होंगे मैच से पहले हम भी अपने इसी यूट्यूब चैनल क्रिकटेल्स पर आपके साथ लाइव आ जाएंगे, तो हमें ज्वाइन करना भी ना भूलिएगा। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब का बटन देखने को मिलेगा, उसको दबाते हुए घंटी के निशान को दबाएंगे तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने होस्ट एंड दोस्त वासिफ अली को इजाजत दीजिए, टेक केयर एंड बाय बाय।